अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लीला मासी बंद कमरे में खुद को निर्दोष कैसे साबित कर पाती? हमें उनको एक मौका देना चाहिए, इससे हमें सच का भी पता चल जाएगा। मलिका इधर आओ, आचार्य जी का आशीर्वाद लो। आचार्य जी कोई मामूली संत नहीं है, उन्होंने घोर तप करके हिमालय से बड़ी बड़ी शक्तियां हासिल की है। बड़े बड़े संकट भी उनके आशीर्वाद से दूर भागते हैं। ये हमारे घर को पूरी शक्ति के प्रभाव से मुक्त करने में और असली दोषी को पकड़ने में हमारी मदद करेंगे। आओ। इलो, यहाँ तो खेला शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तो दूर से सूंघ के बता देंगे कि जादू की डुगडुगी कौन बजा रही है। आग, विधान भी आग लग गई। हे भगवान, ये पर्दी में आग कैसे लग गई? आपने बिल्कुल सही कहा था मामी जी, ये ज्योति बहुत शातिर चीज है, मगर इसे ये नहीं पता कि इस बार इसका पल्ला किससे पड़ा है। अरे वो ज्योति के बारे में हम बाद में सोचेंगे, पहले तुम इस आचार्य जी के बारे में सोचो। अरे बहुत ज्ञानी है, जितना हम जानते हैं ना, वो सूंघ के यूं बता देगा कि सारा कर्मकांड कौन रचा है। आइए आचार्य जी। अत्यंत ही घातक और बहुत ही खतरनाक शक्ति का निवास है यहाँ। सावधान। कुलगुरु जी ने सही कहा था, उस बुरी शक्ति ने इस घर को, बल्कि पूरे घर को अपने मोह पाश में जकड़ लिया है। हम अपने आसपास उसकी पकड़ को महसूस कर रहे हैं। आचार्य जी, हम सबने इला को रंगे हाथों पकड़ा था, पर वो कह रही है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। क्या आप इला को कुछ समझा सकते हैं कि वो ऐसा कुछ भी ना करे? आपकी बड़ी कृपा होगी। इसे इला ने किया है या किसी और ने किया है, इसका पता भी बहुत जल्द चल जाएगा। पर कैसे आचार्य जी? इस नगाड़े को देख रही हो? यह सिद्ध किया हुआ नगाड़ा है। इसके बजने से परम पवित्र ध्वनि निकलेगी, जो उस अपवित्र और बुरी आत्मा को घोर कष्ट देगी। अत्यंत पीड़ा होगी उसे, वो तड़प उठेगी, और जब उसकी तड़प उसकी सहन शक्ति से बाहर हो जाएगी तो वो स्वयं आकर कहेगी कि इसे रोक दो। उसके बाद आप सब स्वयं उसका चेहरा देख लेना। बेटा ज्योति, इस नगाड़े को तुम बजाओगी, और तब तक बजाओगी जब तक हम उसे रोकने का आदेश नहीं दे देते। Thank you.
ये दरवाजा खोलिए। आचार्य जी, हीरा तो बिल्कुल शांत बैठी है। आपने तो कहा था कि नगाड़े की आवाज से वो चीख उठेगी, चिल्लाएगी, तड़पेगी, पर दी है तू। प्रणाम आचार्य जी। कल्याण। आचार्य जी, इन्होंने मुझे जादू टोने वाली समझकर कमरे में बंद कर रखा है। आप ही इन लोगों को बताइए ना कि मैंने ये सब नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। ये सत्य कह रही है, ये निर्दोष है, इसका उन बुरी शक्तियों से कोई संबंध नहीं है। अब तो भरोसा हो गया ना माँ आपको कि मैं निर्दोष हूँ। आज पता चला मुझे कि अपने ही परिवार वाले जब आप पर भरोसा ना करें तो कैसा लगता है। सॉरी इला, पर एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर इला इस सब के पीछे नहीं है तो फिर कौन हो सकता है। वो जो कोई भी है यही आसपास है, बहुत जल्द उसका पता चल जाएगा। ज्योति बेटा, अपना गाड़ा बजाना शुरू करो। ये इसको क्या हो गया? ये तो अभी तक बिल्कुल शांत थे, अचानक चीखने क्यों लग गए? हो सकता है इस पर तेर से असर हुआ। इला, इला क्या हो गया? इला, क्या हो गया इसको? आचार्य जी, जल्दी चलिए मेरे साथ नीचे। वो मैंने नीचे वो बुरी शक्ति के पैरों के निशान देखे हैं। चलिए चलिए चलिए। विदान, तुम इला को लेकर जाओ। ज्योति, जितना तड़पा है ना तूने मुझे, उतना तड़पाऊंगी तुझे। मेरे हर दर्द को प्यास समेत लौटाऊंगी तुझे। आइए आचार्य जी, ये देखिए, ये सारा देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बाहर तक जा रहा है पैरों का निशान। पैरों के निशान किसके? वो घातक शक्ति इस घर से बाहर चली गई है। अभी के संकेत से तो यही समझ में आ रहा है, परंतु हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि वो इस घर में विनाश करने के लिए आई है, और जब तक उसका कार्य पूर्ण नहीं हो जाता चैन से नहीं बैठेगी। ऐसी शक्तियां बहुत ही जिद्दी, क्रूर और मायावी होती हैं। छल कपट करके वो आसपास बनी रहती हैं और मौका मिलते ही वार कर देती हैं। कावेरी जी, हमें आपके बहुरानी से बात करनी है, अकेले में। जी आचार्य जी। ज्योति बेटा जाओ, आओ सुप्री। लाल तंत्र मंत्र जंत्र भस्म कर शस्त्र मंत्र। मामी जी, आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से बची हूं, मगर आपने ये सब किया कैसे? क्या बात है मामी जी, आपके माइंड गेम्स को तो अवार्ड मिलना चाहिए,
देखो मल्लिका, हमें अवार्ड पुरस्कार इनाम कुछ नहीं चाहिए, हमें बस अपना बेटा डब्बू वापस चाहिए। तुम्हें वेदांत चाहिए ना, हम ला कर देंगे, कुछ भी करेंगे पर तुम्हें वेदांत ला कर देंगे, पर कैसे भी करके हमारा बेटा डब्बू हमें वापस ला कर दो। आई प्रॉमिस मामी जी, जैसे ही मैं वेदांत को हासिल कर लूंगी ना, उसके बाद आपका और मेरा सिर्फ एक मकसद होगा, गुरु को जेल से बाहर निकालना। वादा है मेरा। ज्योति बेटा, तुम्हारे भीतर माँ गौरी का वास है, शक्ति का वास है। वेदांत और ये परिवार वाले बड़े ही भाग्यशाली हैं जो तुम इन्हें कुलवधू के रूप में मिली हो। परंतु एक बात मन में अच्छे से बिठा लो बेटा, भगवान जिन्हें जितना ज्यादा प्यार करते हैं ना, उसकी उतनी ही बड़ी परीक्षा लेते हैं ताकि वो और निखर सके। क्योंकि सोना जितना आग में तपते जाता है ना, उतना ही खारा होते जाता है। आचार्य जी, ये परीक्षा की घड़ी कैसी होने वाली है? कहीं कुछ ऐसा नुकसान तो नहीं होगा ना जिसकी मैं भरपाई ना कर सकूं? बात बहुत बड़ी है बेटा, ये सच सिर्फ तुम ही बर्दाश्त कर सकती हो, इसलिए तुमसे ही अकेले में बात करना मैंने उचित समझा। आपकी बातें मुझे बहुत डरा रही आचार्य जी, प्लीज जल्दी बताइए ना क्या होने वाला है। कुलगुरु जी ने इस घर में जो घातक शक्ति आई है उसके दुष्प्रभाव से निपटने के लिए तुम्हारे और वेदांत के विवाह की बात की थी विधि विधान के साथ। उन्होंने ये बात ऐसे ही नहीं कह दी थी, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है और वही कारण अब तुम्हारे लिए चुनौती बनने जा रही है। संकट बहुत बड़ा है बेटा, इसलिए तुम्हें धैर्य पूर्वक सुनना होगा। वेदांत अल्पायु है, उसके जीवन में बस 3 महीने और शेष बचे हैं। विधि के विधान के अनुसार 3 महीने बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। ज्योति, ऐसा कैसे हो सकता है? एक दूजे से सुख दुख बांटना शुरू ही किया था, फिर सर मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? पति पत्नी का रिश्ता तो 7 जन्मों का होता है ना, 3 महीने कैसे? विधि का विधान बड़ा क्रूर होता है मेरे बच्चे, वो भावनाएं नहीं देखता, भाग्य देखता है। पर सच यही है कि वेदांत के पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं और इसे हम भी नहीं टाल सकते। आचार्य जी, आप तो इतने बड़े तपस्वी हैं, कोई तो रास्ता होगा ना जिससे वेदांत सर की जान बचाई जा सके। प्लीज कैसे भी करके उनकी जान बचा दीजिए, उनके बिना मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं है। खड़ी हो जा मेरे बच्चे, हिम्मत नहीं आ रही, खड़ी हो जा। देखो, हम तुम्हारी भावनाओं को अच्छे से समझते हैं, पर हम इस विधि के विधान को नहीं डाल सकते। हाँ, लेकिन एक सुहागन अपने सुहाग की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मैं कुछ समझी नहीं आचार्य जी। हमारी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हारा वेदांत के जीवन में आना बस एक संयोग नहीं था, यह भी विधि का विधान ही है। जिस विधाता ने वेदांत के भाग्य में अल्पायु लिखा, उसी विधाता ने वेदांत का ढाल बनाकर तुम्हें उसके जीवन में भेजा। तुमने सत्यवान और सावित्री की कथा तो सुनी ही होगी। सत्यवान और सावित्री की कथा इस बात का उदाहरण है कि सिंदूर हमेशा ही राग से अधिक शक्तिशाली होता है। इसलिए वेदांत के प्राणों की रक्षा सिर्फ तुम और तुम कर सकती हो। हम तो बस मार्गदर्शन कर सकते हैं बेटा, लेकिन उस मार्ग पे चलना तो तुम्हें ही होगा। ओ,
ये लो बेटा, इसमें हमने 7 गांठें लगाई हैं मंत्र से अभिमंत्रित करके। तुम्हें हल्दी, मेहंदी और शादी एक एक रस्म विधि विधान के साथ करनी होगी। वेदांत के साथ पूरे विधि विधान से शादी करनी होगी। हल्दी के बाद 2 गांठें खोलना, फिर मेहंदी के बाद 2 गांठें खोलना और बाकी बचे 3 गांठें शादी के 7 फेरे पूरे होने के बाद खोलना। हाँ, इस बात का स्मरण रहे कि तुम्हारे अलावा केवल वेदांत ही इन गांठों को खोल सकता है। और दूसरी बात, बिना रस्म पूरे हुए इन गांठों को मत खोलना। मेरे होते हुए तुम क्या ज्योति, स्वयं भगवान भी अगर कोशिश करे ना तो वेदांत को मुझसे बचा नहीं पाएंगे। वेदांत की रक्षक भी मैं बनूंगी और उसकी भक्षक भी मैं ही बनूंगी। मैं तुम्हें अपने रास्ते से हटाकर वेदांत को हासिल करके रहूंगी। जैसा मैंने बताया, अगर उस विधि से सारे कर्म किए जाए, सारी रस्में विधि विधान के साथ संपन्न होने के बाद इन गांठों को तुम और वेदांत अपने हाथों से खोलो तो वेदांत के ऊपर आया अकाल मृत्यु का साया हमेशा के लिए टल जाएगा। बुराई से लड़ने के लिए जरूरी है कि हम बुरी शक्ति के हर चाल और छल को समझ के उससे लड़ाई करें। वो घातक शक्ति है, इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। तुम्हें वेदांत को भ्रमित करेगी, ये भी हो सकता है कि वेदांत का इस्तेमाल करेगी। कुछ भी करके येन केन प्रकारेन वो इन गांठों को रस्म पूरी होने के पहले खोलने की कोशिश करेगी। तुम्हें उसे रोकना होगा हर हालत में। बस ये समझ लो कि ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी, जिसे हर हालत में तुम्हें पास करना ही होगा। हर हालत में इन अंगारों पे चलकर तुम्हें अपने पति के प्राणों की रक्षा करनी ही होगी। आचार्य जी, बात मेरे सुहाग की है, मेरे वेदांत सर की है। मैं उस पूरी शक्ति से क्या काल से भी वेदांत सर के लिए लड़ जाऊंगी। बस मेरी आपसे एक विनती है, आप घर में किसी को ये बात मत बताइएगा। मैं नहीं चाहती थी वेदांत सर तक ये बात भी पहुंचे। महादेव तुम्हें इस युद्ध से लड़ने और उसे जीतने की शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करें। कल्याण बाबा। रोकर टूटने का वक्त नहीं है, मत से खड़े होने का वक्त है। मैं वेदांत सर के लिए किसी से भी लड़ जाऊंगी। कोई भी अग्नि परीक्षा देनी पड़े तो मैं दूंगी, पर मैं वेदांत सर पे एक आज तक नहीं आने दूंगी। मेरे होते हुए ना ही माँ का सपना पूरा होगा और ना ही पत्नी का। नहीं माँ का, नहीं। वो मुझे ना देखे, मुझसे बात ना करे, मुझे नजरअंदाज करे, मुझे चलेगा लेकिन जान पकड़ी। माँ, माँ, माँ। जैसे कुछ कड़वा खाने से मुंह में कड़वाहट थोड़े वक्त के लिए होती है ना, रिश्ते भी वैसे ही होते हैं। ये कड़वाहट चाहे थोड़े समय के लिए हो, पर रिश्ते की मिठास उसे मिटा देगी। माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, ये माँ बेटे के बीच कड़वाहट हटा कर रहूंगी। आपका बेटा आपको लौटा कर रहूंगी। मैं जानती हूं तू मेरे वेदांत को कुछ नहीं होने देगी। आचार्य जी ने कहा ना, तू मेरे बच्चे की ढाल है, उसका रक्षा कवच है, तू कुछ नहीं होने देगी मुझे, है ना, कुछ नहीं होने देगी। तेरे रहते
माँ की को कभी सुनी नहीं होगी। दीदी है मेरी बच्ची, दीदी है। इस माँ का आशीर्वाद है तुझ पर, कुछ नहीं होगा वेदांत को, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा माँ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इस घर के ढाल को चकना चूर करके रख दूंगी मैं। अब इस घर में सिर्फ और सिर्फ मलिका का सपना पूरा होगा, वेदांत को अपना बनाने का सपना। वेदांत अल्पायु है, उसके जीवन में बस 3 महीने और शेष बचे हैं। विधि के विधान के अनुसार 3 महीने बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। ज्योति आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। कम देखो, मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैशन शो ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूं, पर बिना तुम्हारी हेल्प के पॉसिबल नहीं होगा। ये कोई मामूली फैशन शो नहीं है, ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न आर्ट का फ्यूजन होगा। मैं इस फैशन शो के जरिए बताना चाहता हूँ कि एक औरत, माँ, बेटी, बहू, इनके किरदार में नहीं होती, बल्कि इतिहास गवाह है। उन्होंने मर्दों के कंधों से कंधे मिला के लड़ाइयाँ लड़ी हैं और कहीं ना कहीं आज भी लड़ रही हैं, और इसकी प्रेरणा मेरे सामने खड़ी है। ज्योति मेरे वेदांत के साथ, इन्हें अलग करना होगा। वेदांत सर! ज्योति!